हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुलरहमान। आगे वीडियो के साथ आज हम खेलने आ रहे हैं, आज हम बताने आ रहे हैं सॉरी साइबर पंक 2077 आप कैसे कर सकते हैं अपने फोन के अंदर डाउनलोड। ये गेम अपने 2-3 महीने पहले टेक्नो गेमर ने भी खेला थी, तो GB और 70 GB है। और बाकी ये अपने वाले काम करने देगा क्योंकि इसकी ग्राफिक बहुत ज़्यादा इंसेन है, बाकी इसकी GB बहुत ज़्यादा है। मोबाइल में 3 GB होती नहीं है, मतलब आईफोन में इतना है। टॉप 3 गेम्स ऑफ साइबर पंक 2077। ये गेम रिसेंटली टेक्नो गेमर से भी खेला है, बाकी अपने इसकी अपने जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अलग है गेम से, लेकिन जो अपने वो है ना बिल्कुल सेम है। बाकी आपको इस सवाल का जवाब देना है, वो सवाल का जवाब है जो इसका मेन करेक्टर है वो किस कंट्री का है। यह आपका जवाब है, अगर आपको नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में दे लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तुम्हारा पहला जो गेम है वो आ रहा है अभी 3 सेकंड 3 2 1 साइबर पंक रेट्रो 6 2006 2069। हाँ तो ये गेम पहला गेम है और ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी सोच में मिल जाएगी गेम के अंदर। बाकी इसके अंदर अपने बहुत सारी गन्स भी होती है शूटिंग करने के लिए और आपके एनिमी को डिफीट करने के लिए वगैरह वगैरह। इसकी जो अपने OS वर्जन है उसका 5 होना चाहिए, रैम अपने 3 GB, बाकी इसका स्नैपड्रैगन कोर 8 होनी चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए इसके लिए, बाकी अपने फ्री स्पेस आपके होनी चाहिए 400 MB बैक, उससे ज़्यादा। अगर आपके पास में ये सब है तो आपका आपका जो गेम है वो माशाल्लाह चलेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा शायद, मेरे पास तो था पता नहीं कुछ। हाँ तो जिनके पास पैसा पैसा है वो अपने कर सकते हैं, आगे प्ले स्टोर से भी पैसा में मिलता ही है। बाकी जिनके पास पैसा नहीं है उनको मैं ना कल एक वीडियो डालूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे करना है आपको फ्री में कोई भी गेम डाउनलोड, कोई भी गेम E to Z कोई सा भी गेम। हाँ तो दूसरा गेम अपना ड्रैगन राजा सी, नेम थोड़ा अजीब और गरीब सा है, नेम गरीब हाँ, लेकिन इसके अपने ना जिसकी स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, बाकी फाइटिंग गेम बहुत ज़्यादा कॉम्बैट अच्छा है इसका, फुल टू फुल लाइक अपने वो है अपनी ये जो अपनी पहले सीरीज से जितना ना नेटफ्लिक्स की उसकी तरह ही है। हाँ तो पहले लोग इसके अंदर है ना, ये पहले चाइनीज़ का गेम था लेकिन टेंसेंट के साथ था चाइनीज़, लेकिन फिर टेंसेंट ने इसको हटा दिया चाइनीज़, ओ अपने इसका गेम था ना ये वो टेंसेंट हट गया। बाकी जिसका सिस्टम रिक्वायर्ड है अपने अपने OS वर्जन 5 होना चाहिए iOS, बाकी अपने रैम 3 होनी चाहिए, प्रोसेसर आपको पता है कौन सा होता है, बाकी कोरे 8 होना चाहिए, इंटरनेट चाहिए होगा आपको, बाकी 6 GB आपके यहाँ फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको डाउनलोड करोगे तो ये अपने 1.5 GB का होगा, लेकिन जब कर लोगे ना तो आपको ये 6 GB का दिखाएगा। आपको बहुत सारे गेम्स में ऐसा हो रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी ऐसा हो रहा है, पबजी डाउन करोगे पबजी में भी ऐसा होगा, तो हर एक गेम में ऐसा होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं इतनी। तो दबा दो लाइक बटन वीडियोस आगे बढ़ने से पहले। हाँ तो भाई लोग जो हमारा तीसरा गेम है उसका नाम है माइंड सेल यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा टाइम के लिए। तो हाँ जो माइंड सेल है अपने बेस्ड है आपके ऊपर, अपने पूरा पूरा अपने कॉपी करी हुई है उसकी साइबर पंक 2077 की, तो ये उसकी कॉपी है। बाकी ये गेम भी पैसों का है, मैं एक बार तो इसकी अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लो, OS में उसका वर्जन चाहिए 4 3 GB, बाकी कोर 8 इसमें भी, इंटरनेट नहीं चाहिए, बाकी 600 MB फ्री होनी चाहिए, ये सब होने के बाद शायद आपका डाउनलोड हो जाए, आपका डाउनलोड होगा वरना उससे पहले नहीं होगा अगर आपका ये चीज़ें नहीं होंगी तो। आप देख ही सकते हैं इसकी फाइटिंग, और एक और तो बताऊंगा इसका पैसा ही पैसा है वो उसको जाके डाउनलोड कर ले अभी, बाकी जिसका नहीं है ना तो कल का इंतजार करें, कल वीडियो आएगी वो देखिए फिर आप गले से कर लें, क्योंकि जो मैं आपको लिंक दूंगा ना कल वो लिंक आपको कोई एक एक यूट्यूबर भी नहीं देगा, इतना आपको बता दूँ मैं। तो कल आएगी वाली वीडियो उसकी भी उस एप्लीकेशन की, तो तब तक के लिए मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय, गुड ईयर, टाटा। यही ना वही सस्ती थी रिपब्लिक, और इसके लिए अपना बहुत अच्छा आउटफिट निकलने वाला मेरे ख्याल से हुई वाली है, ये पता नहीं गारंटी नहीं कह सकता कुछ।
हाँ तो देखते हैं आगे क्या निकलता है इसके अंदर। 3, 2, 1, वाह डब्बा खोला निकला गू।